मुझे तो ऐसा लग रहा है दैट आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ रेड एफएम. बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग एट होम. रेड एफएम ने मुझे मतलब किडनैप कर लिया है इस 7 हफ्ते, और मुझे बहुत खुशी हो रही है टू प्ले ऑल आवर सॉन्ग्स ऑफ भूमि 2020 एक्सक्लूसिवली ऑन रेड एफएम. जिंदा दिली इज अ क्या कहते हैं, एक एहसास है, एक फीलिंग है, और ये फीलिंग इस दौर में बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यू नो देर इज ऑफ कोर्स देर इज पैंडमिक एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड आई डोंट नो व्हेन इट विल गो ऑन टिल, बट इसमें हर शख्स को टू फील अलाइव, टू फील जिंदा, वो जिंदा दिली एक स्पिरिट जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों ने यू नो लॉसेस किए हैं, बहुत सारे लोगों की जाने गई है, बहुत सारे लोग बीमारी से निकल कर वापस ठीक ठाक हो गए हैं. इट्स अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिंदा दिली. ये एक एहसास है, ये एक फीलिंग है जो इस दौर में हर आदमी, हर इंसान को रखना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थॉट दैट दिस विल बी अ ग्रेट टाइम टू रिलीज दिस सॉन्ग, बिकॉज ये स्पिरिट बहुत यू नो इस दौर में बहुत मायने रखती है. जिंदा दिली. Yes and no. हमने जब ये गाना बनाया था तब यू नो इट वॉज अ कॉम्पोजिशन जो बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्पोजिशन था, और जब मैंने बनाया था गाना तो गाना स्टार्ट मतलब लो स्केल में होता है और फिर वो उसकी लहर आगे चलती है एंड देन इट गोज़ रियली हाई. सो देन आई मीन आई कुडंट रीच दोज हाई नोट्स, सो आई आस्क्ड राज पंडित Who works with us to sing this. उसने बहुत ही कमाल का गाया, और एक पल में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये गाना राज ही गाएगा तो बेहतर है. बट चूंकि एल्बम में राज ऑलरेडी 2 गाने में फीचर्ड है, तो मुझे लगा कि इट वुड बी नाइस टू गेट अ बिग वॉइस टू सिंग दिस. एंड यू नो जाहिर है अरिजीत इज़ अ ब्यूटिफुल सिंगर, इज़ अ फैंटास्टिक वॉइस, और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इस प्रोजेक्ट में ना केवल मेरी, सुलेमान और मेरी दोनों की बड़ी ख्वाहिश थी कि यू नो अरिजीत से हमें गाना गवाए. एंड दिस वाज अ परफेक्ट सॉन्ग बिकॉज इसका ब्लेंड जो है ऑफ दिस कंटेम्प्रेरी रॉक विद सरगम एंड विद इंडियन क्लासिकल इज ब्यूटीफुल, एंड अरिजीत इज जस्ट द परफेक्ट वॉइस फॉर इट. बिकॉज एक तो वो मल्टी टैलेंटेड है, हर जॉनर में कुछ भी कर सकता है, मतलब चाहे वो गज़ल हो या एक पॉप रॉक सॉन्ग हो या नज़म हो या यू नो क्लासिकल कुछ बंदिश हो, ही कैन डू एनीथिंग. एंड इस गाने में उस मल्टी टैलेंटेड सिंगर की गुंजाइश थी. आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बो ऑफ यू नो दिस ब्यूटिफुल पॉप रॉक वॉइस एंड यू नो द गिटार्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ दिस एंड स्पेशली द एंड, जिसमें अरिजीत ने बहुत ही, वो मेरा स्पेशल पार्ट है, आई मीन मेरा बहुत सबसे फेवरेट पार्ट है, जिसमें उसने you know he suddenly starts with a classical sargam thing and then he gets into a very R&B kind of a tonality, to bahut hi acha blend kiya hua jis tarah se wo naturally indian classical mode se wo wahan R&B zone mein chale jata hai. That's really really very effortless and it's so unique that mera khayal mein sirf I mean jis tarah se arijit ne usko kiya hai, I think it's really special. You can hear Zinda Dili exclusively on Red FM. सारे हफ्ते बजता रहेगा, इनफैक्ट सिर्फ एक हफ्ता क्यों, काफी वक्त तक बजेगा Red FM पर. एंड ऑफकोर्स यू कैन फाइंड इट ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सक्लूसिवली ऑन Red FM presents द भूमि प्रोजेक्ट विद मी सलीम वाचित. 90.5 Red FM. बजाते रहो.